हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लूमिंग बड। आज है मंडे, परिधि का स्कूल है और आज सोमती मावस भी है। आज परिधि के टिफिन के लिए मैं बना रही हूँ नूडल्स। ये आटा नूडल्स है और इसको मैंने लाया था एक्रोपोलिस से। एक्रोपोलिस में हर संडे को भुटिया मार्केट जैसा लगता है स्टॉल, सुबह से लगना स्टार्ट, मतलब सुबह 9 से रात में 10 11 जब तक भीड़ रहती तब तक चलता है ये मार्केट। मैं वहीं से लेके आई थी और इसमें कैलिंगपोंग से, मीरिक से, मतलब पहाड़ से जितनी भी जगह हैं वहाँ से लोग आते हैं और अपने अपने स्टॉल्स लगाते हैं। तो यहाँ पर मैंने नूडल्स बनाने के लिए हल्का सा बटर में मैंने पहले गार्लिक, अनियन, जो सब्जी बच्चों को पसंद हो उस टाइप से दे दो, और फिर मैंने थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस दे दिया था और ये नूडल्स बॉईल करके डाल दिया, कॉर्न दिया एंड सॉल्ट, ब्लैक पेपर और सीजनिंग्स, जो पिज़्ज़ा सीजनिंग्स, पास्ता सीजनिंग्स होती है वो दिया। नूडल्स रेडी हैं, ऐसे टेस्ट ठीक है, नॉट बैड, बट ये आटे का नूडल्स है तो परिधि को थोड़ा कम टेस्ट में समझ में आया। स्कूल से आकर उसने बोला भी कि नहीं समझ में आना था उसको, नेक्स्ट टाइम से नहीं लेके जाएगी, लेकिन आज उसने ले लिया था। मैंने ट्राई करने के लिए एक बार थोड़ा सा ही लेके आई थी मैं। और आज है सोमती मावस, तो सोमती मावस की पूजा तो ऐसे मम्मी करती थी, लेकिन इधर में करीब मतलब साल 6 महीना हो गया। ऐसे भी सोमती मावस साल में दो बार ही आती है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार हो जाए, ऐसे ज़्यादा नहीं होती है। पहले मम्मी कर लेते थे लेकिन अब मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो नहीं कर पाती हैं। तो मम्मी तो मंदिर जाती थी पूजा करने बाकायदा, पर मैं मंदिर नहीं जा पाती हूँ तो मैं घर पे ही पीपल की जो टहनी होती है ना वो मैं घर पे मंगा लेती हूँ। पहले दिन या स्कूल छोड़ते समय मैं आज बस स्टॉप गई तो मैं लेकर आ गई थी टहनी, तो मैंने घर पे पूजा कर लिया। सीधा चढ़ाते हैं और कुछ भी सामान, जो भी कुछ भी चीज़ कर सकते हैं उसको 14 पीस करते हैं। तो आज मैंने बिंदी का पत्ता किया है तो वो मैं पूजा करके कहानी सुन लूँगी और सब सामान मंदिर में भेज दूँगी। साथ बेटा, साथ बहू और एक बेटी थी। साहूकार का घर है, जो भी भिक्षा मांगना आ तो जो भी ना साहूकार की बहू भिक्षा देती तो बेटी तो ले लेते, बेटी जब देती तो कौन ले तो कहते तो बाइक है तो सुहागने पर बाई के भाग में दुहाग लिखी हुए। यह आवाज़ सुनकर बाई सुकन पड़ गई। माँ पूछे कि बाई तो सुस्त क्यों रहवा है, सुख क्यों जावा है। बाई बोली, एक जोगी भिक्षा लेना आवा है, जिसको बोला बाई की चुनरी में भाग बाई है तो सुहागने पर बाई के दुहाग लिखे हुए है। यह आवाज़ सुनकर माँ बोली कि काल माँ सुन लू तो बच्चू रहा था, जितने ना साहूकार का 10 मिन आ गए तो साहूकार ने उन्हें मार कर ढाल कर नीचे दे दियो। गरुड़ पंख नहीं आया, सब देख कर साहूकार ने सोच मारने ला गया। साहूकार ने बोली कि मत थारा बच्चा ने जीवाया है, मारने वालों बेरी तो ढाल कर नीचे खड़े हो। जना वो बोले कि तुम्हारा बच्चा जीवाया है तो कुछ मांग। साहूकार ने बोले पहले मैंने बाचा दे। वह बोले बाचा सो बाचा बाचा हो तो धूपी खून पर काकरे हो। जो साहूकार ने बोले, अभी दिवाली को आने में 2 महीना है लेकिन मैं अभी से शुरू कर देती हूँ क्लीनिंग, साफ़ सफाई सब अलमारी के अंदर अंदर मैं अभी कर लेती हूँ, और बाकी के जो वॉल्स करने हैं बाहर से जो भी सफाई होती है वो दुर्गा पूजा के बाद करते हैं। क्योंकि मैं अपना आराम से एक करके दिन भर में कुछ ना कुछ एक अलमारी कर लेती हूँ, तो मैंने वो चीज़ शुरू कर दिया था। मैंने लास्ट फ्राइडे से शुरू कर दिया था क्योंकि आज मावस था तो आज के दिन से नहीं शुरू करते, लेकिन पहले से शुरू करते थे। तो आज फिर मैंने इस अलमारी को फैलाया था, तो ये सब पुरानी सीडियाँ, पहले जो लैपटॉप होता था ना उसमें सीडी लगता था। मुझको पिक्चर का बहुत ज़्यादा शौक है तो मैं मोस्टली, पहले हम लोग इतनी हॉल भी नहीं जाते थे पिक्चर देखने के लिए, तो जितनी भी सीरीज होती थी ना मैंने एक शॉप में कर रखा था, जो भी नई फिल्म रिलीज होती तो घर पे ला के दे के चला जाता था। तो कितना तो मैं बाय कर लेती थी, कुछ वापस भी चली जाती थी इस टाइप से, तो कितनी सारी सीडी, अभी सबका कोई यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी रखी है, देखती हूँ कुछ अगर DIY कर सकी तो मैं ज़रूर इससे करूँगी, एक बार रखा है। और ये सब ना पुराने कुशन कवर्स हैं मेरे, इस मतलब बहुत पहले के मेरे लिए हुए हैं, मेरी पुराने वीडियो में आप देखा भी होंगे सब कुशंस को, लेकिन अब मुझको नहीं अच्छे लगते अब ये कुशंस, क्योंकि अब मैं प्योर कॉटन में कुशन मंगाऊँ, कवर मंगाऊँगी या फिर अब मतलब
बहुत ज़्यादा होता है ना कि कंटिन्यूसली उसको यूज़ करते करते मन भर जाता है, लेकिन ना इसके कुशन कवर के ना तो चेन ख़राब हुई है ना कोई फैब्रिक ख़राब हुई है, वैसे तो गिराया नहीं जाता है। तो मेरे पास खूब सारे ऊन, मतलब इसको मैं एक स्टोरेज बैग की तरह मैंने इसको यूज़ किया है। और ये आइडिया अभी आया क्योंकि कुशन तो मैंने यूज़ करना छोड़ ही दिया है कम से कम 4-5 महीने से, लेकिन अभी जब क्लीनिंग के टाइम पे मैं सब निकाल रही थी, सब पैकेट में मेरे ये सब ऊन जो थे मेरी दूसरे दूसरे छोटे छोटे पैकेट्स में अलग अलग रखे हुए थे, सच मानिए मतलब मैंने 4 पैकेट ऐसे बनाई हुई थी जिसमें ये रखे हुए थे, वो मैं पैकेट पहले मैंने मतलब निकाल दिया, नहीं तो मैं आपको ज़रूर दिखाती इसमें, वो पैकेट मैंने हटाया है और ये एक कुशन कवर, मतलब मेरा सारा जितने भी ऊल और ऊल्स के जितने भी सामान है ना मेरे 2 कुशन कवर में आ गए। मतलब मैं एकदम आश्चर्यचकित हो गई कि इतना स्पेस इसने लिया था लेकिन 2 कुशन में इतने सुंदर से सेट होके आ गए। होता है ना कोई कोई चीज़ का बाद में आइडिया पड़ता है, और मैं मुझको जैसे कि सिलाई कढ़ाई बुनाई ये सब का बहुत आर्ट एंड क्राफ्ट मतलब ये सब चीज़ के मुझको बहुत ज़्यादा शौक है। तो ये कुछ मैंने ऊल से जूते टाइप में सॉक्स टाइप के बनाए थे, मम्मी तो यही पहनती है विंटर में, नॉर्मल सॉक्स नहीं पहनती है। तो ये 2-3 जोड़ी अभी भी रखी हुई है, कुछ मेरी चालू की हुई रखी है, देखिए इसमें से सुई निकली और कितनी सारी भगवान की पोशाक है लड्डू गोपाल की, कुछ अधूरी है कुछ पूरी हो गई है। इन सब में ना साइड से मुझको क्रोशिया से थोड़ा थोड़ा वर्क करना है, थोड़ा सा मैंने सोचा था कि लेस लगा लूँगी, लेकिन विंटर में तो ये सब चीज़ करने में बहुत मज़ा आता है, फिर जैसे हल्की हल्की भी गर्म शुरू होती है ना हाथ में लेने का मन नहीं करता है, तब से ये छूटी हुई रखी है। इस बार मैंने अभी निकाल के मैं इसको सामने ही रखती हूँ, तो बीच में जैसे टाइम मिलेगा मैं वैसे पूरा करूँगी। देखिए एक ये सॉक्स मेरा चालू किया हुआ है वो भी ऐसे ही पड़ा है, ऐसे मेरे काफ़ी सारे सामान हैं अधूरे पड़े हुए। मैंने एक ना क्रॉस स्टिच की बेडशीट भी चालू की हुई है, उसको तो मतलब क्या बोलूँ ना मैं 3 से 4 साल तो हो ही गया होगा, मुझको एम्ब्रॉयडरी का इतना ज़्यादा शौक़ था शादी के टाइम पे, तो मैं इतना करती थी, मैंने साड़ी पेंट किया हुआ है बेडशीट में मोस्टली, मतलब मैं जब शादी हो के आई थी ना तो 10 से 11 बेडशीट तो मेरी खाली हाँ हैंड एम्ब्रॉयडरी की थी, इतना ज़्यादा था। और अभी मैंने एक तो स्टार्ट भी किया था 2 से 3 साल पहले की बात है, सब कुछ रखा हुआ है बट वो कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक, निकलेगा तो दिखाऊंगी ज़रूर से मैं आपको। देखिए एक बैग मेरा रेडी हो गया है और ऐसे ही मेरे सामान, मतलब इसमें तो ब्लू कलर के है, देखती हूँ इसके लिए स्टोल बनाऊंगी परिधि के लिए क्योंकि वो स्कार्फ नहीं लगा के जाना चाहती है स्कूल में, और जब ठंड आती है ना तो बस में थोड़ी हवा लगती है कान में, सोचती बहुत हो कि ये करूँगी वो करूँगी सब जगह हाथ पाँव मार लूँगी लेकिन होता कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस करते रहेंगे दिन भर, देखती हूँ रखती हूँ फिर अगले साल निकलेगा फिर वापस रखूँगी, लेकिन इस बार देखती हूँ हो सकेगा तो ज़रूर पूरा करूँगी। मैंने ना एक बात पढ़ी थी, कहाँ पढ़ी थी वो ध्यान नहीं है बट मैंने पढ़ा था कि एक औरत को मजबूत बनने के लिए अपने सपनों को पूरा करने के लिए मजबूत ज़रूर बनना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने क्षमताओं पर विश्वास रखें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काम करते रहें, ज़रूरी नहीं है कि वो पूरा हो लेकिन उसके ऊपर में काम ज़रूर करें। अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठिन मेहनत करना है और कभी हार नहीं मानना है, हम जैसे हैं वैसे बहुत सुंदर हैं, अपने आप को स्वीकारना सीखें, अपने आप में गर्व महसूस करें, हम अपने जीवन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने खुद के फैसले खुद ले सकते हैं, अपने आप को शिक्षित करना जारी रखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जितना हो सके हम लोगों को सीखते रहना चाहिए और अपने अधिकारों के लिए लड़े भी, समाज में बदलाव लाने के लिए यह भी काम करना ज़रूरी हो जाता है। ये सब मोटिवेशनल कुछ कुछ पढ़ने से अच्छा भी लगता है और बाद में जब रिवाइज करते हैं तो अंदर में एक आत्मभूति होती है, बहुत अच्छा लगता है। हम एक रोशनी हैं जो दूसरों के जीवन को रोशन करती हैं, हमारी मुस्कान दुनिया बदल सकती है, हम शक्तिशाली हैं जो अपने सपनों को ज़रूर पूरा करती हैं,
हमारी सुंदरता हमारे दिल और आत्मा में होती है। हम एक योद्धा भी हैं जो जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकती हैं। अपनी मेहनत और दृढ़ता हमें सफलता की ओर ले जाती हैं। जैसे कि मैंने पहले बोला था ना, मैं एम्ब्रॉयडरी बहुत करती थी, तो ये भी मेरे हाथ से बनाया हुआ है। ये एक कारपेट है, तो इसके अंदर में मैंने इसकी बाइंडिंग करवाई हुई है, अंदर में फॉर्म की स्लिप दी हुई है और इसको कवर किया हुआ है। इसमें चेन भी है, जब इसको वॉश करना है तो उसको सीट को निकाल लो, लेकिन मुझको लग रहा है निकलेगा नहीं, क्योंकि मैंने अभी देखा चेन खोल के, तो वो सीट भी इसके साथ में स्टिच की हुई है। फिर मेरी आज लायंस की पीएचडी मीट थी, सेक्रेटरी के घर पे ही थी, तो वहाँ के लिए मैं निकली हूँ। उसके पहले मुझको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जाना था, तो मैं वहाँ आई हूँ क्योंकि मुझको थोड़ा ड्यूज जो क्लियर करने हैं उसके बारे में थोड़ी बातें करनी थी। यहाँ से मैं गई, पीएचडी मीट थी, वहाँ पे मीटिंग में गई थी, वो अटेंड करके फिर जब मैं घर वापस आई तो 7 बज चुके थे। फिर आने के बाद मैं टूस्ट मास्टर का, हम लोग का टेबल टॉपिक सेशन था, उसको अटेंड किया। ऑनलाइन सेशन था जूम पे, बस ये सब करते करते हो गया था रात। फिर सबको डिनर रेडी करके सबको खिला के बस, तो ऐसा ही था। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।